तुम आ रहे हो ना? हाँ, बस मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। गेट पे पहुंच के मुझे मैसेज करना। ओके, बाय। ये क्या है सीरत, इतनी डार्क लिपस्टिक? मम्मा, ऐसे ये शेड अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा। सीरत, तुम्हें ये रंग अच्छा लगा? सीरत, अब तुम कोई छोटी सी बच्ची नहीं हो कि तुम्हारा हाथ पकड़ पकड़ के समझाती फिरूं। अपने बाबा की तबीयत को तुम अच्छी तरह से जानती हो। मम्मा, बाबा तो गांव गए हैं ना? अगर आ गए और गलती से तुम्हें देख लिया तो? वो गए हुए, लेकिन उनकी ख्वाहिश यही होती है कि उनकी गैर मौजूदगी में भी उनके होने का एहसास कायम रहना चाहिए, समझी? जाओ अपने होंठ साफ करो और अपने नाम की तरह सीरत संवारो, सूरत नहीं। बीबी जी, आपकी बहन आई है मीना बीबी, और उनके बेटे भी साथ आए हैं। आप आई हैं? मुझे तो किसी ने नहीं बताया। मुझे बताया था। मेरा मतलब है कि खाला का फोन आया था। नसरीन, तुम जाके उन्हें बिठाओ और जूस वगैरह सर्व करो, और खाना भी बनेगा उनके लिए। मामा, एक डिश मैं भी बनाऊं उनके लिए। नसरीन से कहे मेरी हेल्प कर दे। बस करो सीरत, इतनी उतावली क्यों हो रही हो? अगर उन्हें खाने पे रोकना हुआ तो मैं खाने का बंदोबस्त करवा लूंगी। नसरी, जाओ जा जाके चाय का इंतजाम करो, मैं आ रही हूं। जी बीबी जी। पहले एक दफा देख ले, फिर उतार दूंगी। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक। सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम, क्या हाल है अवैस, कैसे हो? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक माशाल्लाह, तुम तो बड़े हो गए हैं। हाँ भाई कुलसुम, तुम अकेली कहाँ हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, जीती रहो भाई। इतनी प्यारी परी जिस घर में मौजूद हो तो रौनक लगी रहती है। आओ बेटा बैठो। माशाल्लाह, पढ़ाई कैसी जा रही है बेटा? अच्छी जा रही है खाला जान। अच्छा अच्छा, अल्लाह मियां कामयाब करे मेरी बच्ची को। खुश रहो, जीती रहो, हमारी सीरत बड़ी हो गई है। अच्छा कुलसुम, ये तो बताओ दुआर शुजा किधर हैं? उनकी लड़ाइयां अभी हो रही हैं या खत्म हो गई? अरे आपको तो पता है कितना शरारती है शुजा, हर वक्त दोनों लड़ते हैं, कहां लड़ाइयां खत्म होती है बच्चों की। Thank you.
अब सीरत बेटा जाओ जाके देखो सुग्रा चाय क्यों नहीं लेकर आई अभी तक। जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। तुम्हारे होंठ लाल क्यों हैं? पापा वो मैंने लिपस्टिक लगाई थी। शरीफ घरों की लड़कियां यूं होंठ लाल किए नहीं फिरती। जाओ जाकर साफ करो। जी पापा। अस्सलाम वालेकुम खालू जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। जलाल दरअसल कुलसुम मेरे लिए चाय भिजवाए। बहुत प्यारा है ओवेस। थैंक यू। लेकिन बहुत ज्यादा प्यारा लगा। रहने दो ना, उतार क्यों रही हो? अगर अम्मी ने पूछ लिया तो और बाबा भी घर पे हैं, प्रॉब्लम हो जाएगी। आई नो, लेकिन अभी जब तक मेरे साथ हो तब तक पहने रखो। तुम्हें पता आज हम ही हमारे रिश्ते की बात करने वाले। सच्ची? बस तुम दुआ कर कि खालू जान हमारी सुन। मुझे यकीन है अम्मी उन्हें मना लेंगी। और अगर वो ना माने तो? ऐसा मत कहो वे। अच्छा सोचो। वही तो कोशिश कर रहा हूँ। खालू हमसे मिलते ही। अच्छा मैं अंदर जा रही हूँ, कोई आ ना जाए। एक बात कह दो कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो। तुम जानते तो हो फिर भी। हाँ फिर भी मुझे तुम्हारी तरह इस हाल की इजाजत नहीं है ओवेस। बहुत खुशी होती है खाला जान आपसे मिलके। मेरा तो दिल करता है मैं आपको जाने ही ना दूं। मेरी बच्ची, मेरा दिल भी तुमसे जुदा होने को नहीं करता, पर क्या करूं, जाना है ना। लेकिन तुम अपनी अम्मा को लेकर जरूर आना। अब कब मिलेंगे? कॉलेज के बाद। तुम अपने तौर से भी कोशिश करना ना, और किसी तरह भी जलाल के कान में ये बात डाल दो। देखो कसूर, अब तो मैं जा रही हूँ, अगली बार आऊंगी ना तो खाली हाथ नहीं जाऊंगी। बता देना जलाल को।